राजस्थान के जालौर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडावाड़ा गांव में आज प्रशासन यहां ओरड़ में बने 400 घरों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। मामले में कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों पर की जा रही है। दरअसल ओडावाड़ा गांव में दो भाइयों के पारिवारिक झगड़े के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में हुए निर्माण को तोड़ने के आदेश पिछले साल दिए थे। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर निर्माण हुए हैं वो भूमि ओरड़ किस्म की भूमि है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद न्यायालय ने ओरड़ भूमि पर निर्मित मकान को अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए थे। न्यायालय की अनुपालना में जिला प्रशासन भी तैयारी में लग गया। मकानों को ध्वस्त करने की इस कार्रवाई के विरोध में यहां बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं जुट गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बल का प्रयोग कर महिलाओं और लोगों को हटाया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान महिलाओं के मकानों पर बुलडोजर चला तो कई महिलाएं बिलख पड़ी तो कई बेहोश हो गई। इस मामले पर जालौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आहोर के ओडावाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 440 घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये परिवार सालों से यहां रहते आए हैं। प्रशासन इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान प्रभावी पैरवी से इन घरों को बचाया गया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जालौर के ओडावाड़ा में उजड़ते आशियाने, बिलखते परिवार, महिलाओं से बर्बरता और पुलिस का क्रूर चेहरा, भाजपा के लिए नए राजस्थान में आपका स्वागत है, शर्मनाक। जानकारी के अनुसार ओडावाड़ा गांव में 3 साल पहले गांव के निवासी मुकेश और महेंद्र सिंह में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों भाई हाईकोर्ट पहुंच गए। दोनों भाइयों की जमीन की नापी हुई, जिसमें करीब गांव के 440 घर ओरड़ भूमि पर बने पाए गए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश से 2022 और 2023 में कुछ कच्चे अतिक्रमण हटा दिए गए। अब फिर से कोर्ट के आदेश पर 150 से अधिक कच्चे मकान और 160 के करीब बड़े बंदी हटाने को उन्हें चिन्हित किया गया है। कोर्ट में 2 मई को तहसीलदार को नोटिस जारी कर 14 मई तक इन मकानों को खाली कराने का आदेश दिया था और अगर 14 मई तक मकान खाली न होते तो 16 मई को मकान तोड़कर सामान जब्त करने के लिए कहा गया था। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की टीमें आज कार्रवाई करने में लगी हुई हैं।